All right. Okay, so as you know, in the last class, we have completed the almost 90% of this chapter. Like, humne kya kya tha, bilkul pura structures dekhe. Okay, so types of muscles we have seen, and we saw the, you know, striated muscle ka structure. There I had told you, एक मसल होता है, उसके अंदर मसल बंडल होता है, मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर के अंदर फिर मायोफाइब्रिल्स एंड या फिर मायोफिलामेंट्स होते हैं जो थिन एंड थिक फिलामेंट्स बनाते हैं. थिन के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्टिन, मायो, यू नो, ट्रोपो मायोसिन, देन ट्रोपोनिन. थिक में मायोसिन का बना हुआ होता है, विच इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ मीरो मायोसिन विच आर मोनोमर यूनिट्स. तो ये पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है. तो कैसे उनका मैकेनिज्म होता है, हाउ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अकर्स, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है. तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी. आई होप यू डू रिमेम्बर दैट. आई होप याद होगा आपको. अगर याद नहीं है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है. चलो, या इफ यू डोंट रिमेम्बर यू कैन आस्क मी विदाउट एनी फर्दर डाउट्स. चलो, तो अभी बेटा हम लोगों को स्टार्ट करना था स्केलेटल मसल्स. ओके, तो स्केलेटल सिस्टम हम लोग जानेंगे. ओके, हाउ दिस बोन अरेंजमेंट हैज बीन अकर्ड इन अवर बॉडी. तो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सब कुछ, ठीक है. तो चलो, सो दिस इज द यू नो सेशन दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे. आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है. और मुझे लगता है आप लोग एकदम कंसिस्टेंट नहीं थे क्लास में, तो आपको डाउट्स हो सकते हैं. यू कैन आस्क, यू नो, आफ्टर दिस सेशन, मतलब सेशन हो जाने के बाद 5 मिनट्स का गैप रहता है, तो आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास देन. सो इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, देखो ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ऑनलाइन पढ़ाना, मैं सच बताती हूँ. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना, आपको क्या करना चाहिए, आपके लैब में बैठ के जो स्केलेटल सिस्टम है ना उसको देख देख के सीखने वाला चैप्टर है ये, काउंट कर करके. ओके, देख देख के सीखने वाला चैप्टर है. बट कोई नहीं, यहाँ पे भी मैंने डायग्राम्स लाए हैं, तो डायग्राम के हेल्प से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो एज यू नो, अवर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, ओके, जो पूरा फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है, कितने स्ट्रक्चर से बना हुआ है या फिर बोन से बना हुआ है, दैट इज 206 बोन्स, ठीक है. तो 206 बोन्स एंड सम कार्टिलेजेस, ओके, सम कार्टिलेजेस. सो अदर देन दैट, बोन हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट्स. आपको पता है हमारे बॉडी में कुछ सबसे हार्ड है, कुछ बहुत मजबूत चीज है, तो वो क्या है, वो बोन्स है, ठीक है. तो बोन्स ही सबसे हार्ड चीज है. इसके अलावा आप आओगे तो टीथ होते हैं, ओके, बोथ आर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सॉल्ट, यू नो, कैल्शियम सॉल्ट्स, ओके. सो दूसरा क्या लिखा है, कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स, ओके. प्लायबल मतलब क्या, तुम फ्लेक्सिबल को समझ सकते हो, ओके. प्लायबल मीन्स, इन अदर वर्ड्स, आपको समझाने वाली भाषा में मैं कह सकती हूँ फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स, ओके. सो क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स. बेटा आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ओके. वो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा सकी आपको, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट किया था. तो आई होप आपकी मैडम ने बताया होगा, ओके, इन चीजों के बारे में, ठीक है, कॉन्ड्राइटिन, बाकी सारी चीजें. आई होप अगर हमको टाइम मिल गया ना ये चैप्टर्स खत्म करने के बाद, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म करने के बाद अगर टाइम मिले तो वो चैप्टर्स मैं कंप्लीट करूंगी. कौन से, जो एनाटॉमी का चैप्टर है, प्लांट मॉर्फोलॉजी का चैप्टर है, उसमें जो फैमिलीज हैं वो करूंगी मैं, ओके. एंड उसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कॉकरोच, फ्रॉग, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं. नाउ, सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू नो. एक पूरा स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है बेटा, इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन विच इज मेडअप ऑफ 80 बोन्स एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो एक्सियल क्या है बेटा, ये जो सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहा है जो वायलेट कलर में या फिर पर्पल कलर में मार्क्ड है, सो दिस इज एक्सियल स्केलेटन, एकदम सेंटर ऑफ द बॉडी. तो सेंटर ऑफ द बॉडी के जो बोन्स हैं उसको हम कह रहे हैं एक्सियल स्केलेटन. एंड अपेंडिकुलर, देखो वर्ड इंडिकेट्स, एक्सियल मीन्स सेंट्रल, अपेंडिकुलर मीन्स साइड में, ओके, जो साइड वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर. तो यहाँ पे जो एक्सियल आपने इंडिकेट कर लिया, उसके अलावा जितना भी बचा है वो पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटल में आता है,
ठीक है, तो नंबर ऑफ बोन्स भी आपको याद रखना है 80 इन एक्सियल एंड 126 बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो एक्सियल में क्या क्या आएगा, बोन्स ऑफ हेड, तो हेड के जितने भी बोन्स हैं वो आएंगे, वर्टिब्रल कॉलम, हमारे डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम रहता है वो आएगा, फिर स्टर्नम जो एकदम वेंट्रल पोर्शन में यहाँ पे बीच में होता है स्टर्नम वो आएंगे, एंड देन लैटरल रिब्स, ओके, जो साइड में रिब्स होते हैं वो आता है। ठीक है, सो दीज आर यू नो ऑल दीज आर फाउंड इन एक्सियल स्केलेटन, जो एकदम सेंटर ऑफ द बॉडी में आपको मिलेगा। एंड व्हाट अबाउट अपेंडिकुलर, ओके, अपेंडिकुलर में क्या आता है, बोन्स ऑफ फोर लिम्स, okay, तो जो भी हमारा फोर लिम्स है उसके सारे बोन्स आते हैं, देन सिमिलरली हाइंड लिम्स, पूरे लेग के बोन्स आते हैं, एंड देन पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। ठीक है, मैं बताऊंगी पेक्टोरल गर्डल क्या है, पेल्विक गर्डल क्या है, चीजें बताऊंगी मैं। ठीक है, बाय लुकिंग एट द डायग्राम्स वी विल ट्राई टू स्टडी देम वन बाय वन। ठीक है, तो अब देखो बेटा, तुम पहला स्ट्रक्चर दैट इज बोन्स ऑफ हेड, देख के डर तो नहीं हो रहा? ऐसा मत कहना है कि मैम ये क्या दिखा रहे हो, मेरे फिर ख्वाब में मैं कुछ देख लूं फिर डर ना जाऊं, कोई नहीं बेटा, पढ़ना होता है तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बोन्स ऑफ हेड इट इज टोटली 29 बोन्स। ठीक है, टोटल कितने बोन्स हैं, 29 बोन्स हैं, तो इसमें भी आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो कौन सा कितने में होता है। ओके, चलो तो देखो, इट इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ हेड में भी आप देखोगे स्कल के बोन्स, ओके, जो एक्चुअल आप देख रहे हो ये स्कल बोन है, इसके अलावा यू नो हायॉइड बोन, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग टाइप से होता है, हायॉइड बोलते हैं कुछ, हॉइड बोलते हैं कुछ लोग, आपको जो बोलना है तुम बोलो, सारा एक ही है। ठीक है, एंड देन ईयर ऑसिकल्स जो हमारे कानों में होते हैं, विच इज स्मॉलेस्ट बोन हमारे बॉडी का, आपको पता है, ओके, लार्जेस्ट बोन तो आप सब लोगों को पता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बोन का डाउट रहता है बहुत सारे लोगों को, तो बेटा हमारे ईयर ऑसिकल्स में होते हैं। ठीक है, हमारे कान में तीन बोन्स होते हैं, उसमें भी स्टेपीज इज द यू नो स्मॉलेस्ट बोन, ओके, स्टेपीज पैर में होते हैं, मतलब यहाँ एक स्टेपीज यहाँ एक स्टेपीज, तो दोनों पैर में होते हैं। ऑलराइट, सो स्कल का, हॉइड एंड देन ईयर ऑसिकल्स, फिर अभी एक एक करके देखते जाएंगे यहाँ पे। तो स्कल में टोटल कितने बोन्स हैं आपके, 22 बोन्स। ठीक है, तो 22 है, तो इसमें क्रेनियल एंड फेशियल दोनों ऐड होते हैं बेटा। फेशियल माने सामने वाले बोन्स, जो आपका चेहरा दिखा रहा है ना, वो फेशियल बोन्स है। अब आपका चेहरा छोड़ के जितना भी ये पूरा एरिया है, तो ये पूरा क्रेनियल बोन्स है। क्लियर, तो क्रेनियल बोन्स में क्या आएगा, तो यहाँ पे तुम देख लो, फ्रॉन्टल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पीनॉइड, एथमॉइड। ठीक है, तो अभी तुम यहाँ पे डायग्राम देख लो, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, द फर्स्ट वन तो फ्रॉन्टल है, ओके, तो फ्रॉन्टल तुम देखो, ये फ्रॉन्टल बोन है, ओके, ये फ्रॉन्टल बोन है, मतलब ये एक ही बोन है, समझो बेटा मैं कैसे बताऊं आपको, तो यहाँ पे आता है ये बोन, ओके, ये एक ही बोन है, मतलब इधर इधर दो अलग बोन नहीं है, ये दोनों तरफ का मिला के एक बोन है, ये फ्रॉन्टल बोन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखो वन बोन। अब पेराइटल मतलब यहाँ पे एकदम पीछे टॉप ऑफ द हेड को मतलब कवर करके रखता है पेराइटल बोन, ये दो बोन्स है, मतलब इधर एक बोन ऐसे दो बोन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन मतलब यहाँ पे, मतलब तुम्हारे आपको कोई सवाल पूछेगा, हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारे जो कान है ना वो कौन से क्रेनियल बोन में आते हैं, योर ईयर्स, यू हैव टू राइट टेम्पोरल बोन, ओके, तो टेम्पोरल बोन ये वाला पोर्शन होता है, ओके, दिस इज टेम्पोरल बोन, तो टेम्पोरल बोन में आपके ईयर्स आते हैं, तो ये भी दो है ना, यहाँ एक कोई है एक, तो दो टेम्पोरल बोन्स। क्लियर, देन ऑसिपिटल, तो ऑसिपिटल आती है यहाँ पे एकदम मतलब पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे आती है, आई डोंट नो इफ यू आर यू नो दैट इज विजिबल और नॉट, तो यहाँ पे आती है ऑसिपिटल। ठीक है, तो ऑसिपिटल बोन आता है, एंड ये भी एक है, मतलब इधर इधर दोनों से मिला के एक ऐसा थोड़ा लंबा वाला बोन आएगा ऑसिपिटल। ठीक है, ये वाला बोन आता है, और स्पीनॉइड यहाँ पे लिखा है देखो, ये स्पीनॉइड बोन है, और ये भी एक ही है, ओके, ये भी एक ही है, आप ऐसा मत देखो कि मैम इधर होगा तो उधर भी होगा, नहीं ऐसे नहीं होता, सिर्फ एक ही बोन है। एंड देन एथमॉइड बोन, ओके, ये बेटा ऐसे समझो ये कुछ आप अंदर की कहानी देख रहे हो, ठीक है, ये कुछ अंदर का देख रहे हो, तो इसीलिए ऐसा व्हाइट कलर में इसने बनाया है। ठीक है, तो एथमॉइड बोन हो गया, स्पीनॉइड बोन हो गया, बाकी सारे बोन्स हो गए। तो अब आपको याद रखने वाली बात क्या है, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर हियर, दो चीजें आपको याद रखना है, जो स्पीनॉइड बोन है ना, तो जो स्पीनॉइड बोन है, स्पीनॉइड बोन से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम कहते हैं सेल्ला टर्सिका। ओके, प्लीज टेक इट डाउन, ओके, सेल्ला, मेरा हैंड राइटिंग बहुत वो क्या कर सकते हैं अभी, है ना, यू कैन टेक द टर्सिका, ओके, सो एस ई
LLEA, उसे लिखो भाई तुम एनसीआरटी में लिखो, ठीक है। स्पीनोइड बोन में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं सेल्ला ट्रेसिका, SELLA TURCICA। ये क्या है? एक डिप्रेशन है। मतलब आप पूछोगे मतलब मैम कैसा डिप्रेशन है ये? अभी जो स्पीनोइड बोन होता है ना, इसके स्ट्रक्चर में, ओके, तो इसके स्ट्रक्चर में हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसको सबमर्ज करने के लिए जगह होती है। समझ लो यहाँ पे ब्रेन में एक जगह पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को जगह देने के लिए, बनाने के लिए, ये हमारा स्पीनोइड बोन है। तो इसमें ऐसे करके इसने जगह बना के रखी है, ये हमारा स्पीनोइड बोन है। अब ये जो यहाँ पे डिप्रेशन है ना, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड अस सेल्ला टर्सिका। ये वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? जो ऑसिपिटल बोन है ना बेटा, ऑसिपिटल, तो ऑसिपिटल बोन में एक क्या कहते हैं, कैविटी है, ओके, एक कैविटी है। सो दैट यू नीड टू रिमेम्बर, मतलब हमारे बॉडी में वो सबसे बड़ा एक कैविटी है। मतलब मैम आप पूछो अभी क्यों आएगा मैम ऑसिपिटल बोन में कैविटी? क्योंकि बेटा यहाँ से निकलती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, कि स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को निकलने के लिए ये एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं, ओके, I'll give the name here, okay? जिसको हम कहते हैं फोरनम, सॉरी फोरेमन मैग्नम, ओके। सो बेटा आप जहां कहीं भी बायोलॉजी में ये वर्ड सुनोगे ना फोरेमन, तो याद रखो फोरेमन इज रिप्रेजेंटेड फॉर अ कैविटी, ओके, FORAMEN, ओके। सो फोरेमन मैग्नम, ओके, मैग्नम मतलब बड़ा, ओके, मतलब हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ये ऐसा कैविटी है जो बहुत जरूरी है, विच इज प्रेजेंट इन द ऑसिपिटल फॉर द ऑनगोइंग स्पाइनल कॉर्ड या फिर वर्टिब्रल कॉलम, उसको पास कराने के लिए होता है, ओके, फोरेमन मैग्नम, क्लियर? FORAMEN MAGNUM, मैग्नम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है मैम? हमारा जो स्कल है ना, ये डाइकोंडाइलिक स्कल है। मैम व्हाट इज डाइकोंडाइलिक? बेटा हमारे पास दो कॉन्डाइल्स हैं। तो अभी कॉन्डाइल क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, ओके, तो यहाँ पे कहीं दिखाया है क्या कॉन्डाइल? हाँ, तो देखो ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इट इज रिटर्न्ड एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल, राइट। सो दिस कॉन्डाइल विच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ टू, ओके, इसको हम कहते हैं डाई, ओके। जो डाई किस में होता है? ये यूजुअली मैमल्स में होता है, ओके, तो मैमल्स में होता है। अभी अब जो बाकी जो बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, उनमें मोनोकॉन्डाइलिक होता है, ठीक है, मोनोकोंडाइलिक मतलब दो बोन्स होते हैं यहाँ पे, उनमें एक बोन होता है। अब मैम ये क्या स्ट्रक्चर है, डाइकोंडाइलिक स्कल क्या है? ओके बेटा तुम लिख लो यहाँ पे डाइकोंडाइलिक स्कल, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाता है देखो, अब ये तुम्हारा बोन है, ये तुम्हारा डाइकोंडाइलिक बोन है, ओके, तो इसमें यहाँ पे दो कोंडाइल्स हैं, इनको कहते हैं कोंडाइल, ठीक है, दिस एंड दिस, दीज आर कोंडाइल, क्लियर। ये कौन सा बोन दिखा है यहाँ पे? ऑसिपिटल की बात हो रही है भाई, ऑसिपिटल की, ठीक है। तो इसके नीचे एक बोन आता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं अटलास। हमारे एनसीईआरटी ने लिखा है अटलास, बट बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि अटलास किधर है। देखो अटलास इधर है, ओके, तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो स्टार्ट होता है ना, जो स्टार्ट होता है वो फर्स्ट वाला है, मतलब अटलास, ठीक है। तो ये तुम्हारा अटलास है, एकदम अटलास के ऊपर कौन है? डाइकोंडाइल स्कल, किसमें प्रेजेंट है? ऑसिपिटल में, ओके, ऑसिपिटल बोन में। ऑसिपिटल बोन में और क्या है? फोरेमन मैग्नम, जहां पे वो ओपनिंग है, तो उस ओपनिंग में कॉन्डाइलिक स्ट्रक्चर आएगा। तो तुम्हारे को मैं मतलब मेरा मूवमेंट दिखाती हूँ, तो मेरा मूवमेंट देखो, ठीक है, आई एम विजिबल, ओके। तो हमारी बॉडी का जो नेक है ना, हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, ओके, और ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ, बिकॉज दिस ऑसिपिटल डाइकोंडाइलिक बोन, ठीक है, जो हमारा डाइकोंडाइलिक बोन है ना, इधर एंड तुम टच करके फील करो यहाँ पे, तुम यू कैन फील एंड टच, हियर दो होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए हेल्प करता है, साइड वाइज करने के लिए हेल्प करता है। और कुछ बर्ड्स ऐसे है ना, मतलब एकदम 180 डिग्री में घूम के देखते हैं, मतलब ऐसे, मतलब मैं तो मतलब पूरी बॉडी टर्न करा रही हूँ ना अपनी, लेकिन बर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो पूरा ऐसे घूमते भी हैं, मतलब ऐसे 360 डिग्री नहीं, नियरली 180 डिग्री, मतलब आराम से वो घूम लेते हैं ऐसे। अब मैं तो बहुत डिफिकल्ट से घूम रही हूँ। तो ये होता है बिकॉज उनके पास मोनोकोंडाइलिक स्ट्रक्चर होता है। अब बर्ड्स देखो बॉडी किधर तो होती है, मतलब गर्दन किधर तो टर्न हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, उनके पास होता है मोनोकोंडाइलिक, ओके, स्ट्रक्चर या फिर स्कल, हमारे पास डाइकोंडाइलिक है। तो इसीलिए हम सिर्फ इतना ही कंफर्टेबली कर सकते हैं और ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, बट वो एकदम 180 डिग्री तक भी टर्न कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इतना सब कुछ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
ऑल राइट तो यहाँ पे डायग्राम्स दिया है, देखो यहाँ पे डायग्राम्स दिया है डिफरेंट डिफरेंट, आपको पता होना चाहिए। तो अगेन फ्रॉन्टल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल में फिर फोरमेन मैग्नम रहेगा, फिर यहाँ से हमारा यू नो वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होते जाएगा। ठीक है चलो, तो अब बेटा हम लोग आएंगे हाँ फेशियल बोन में। अब फेशियल बोन मतलब कौन से बोन, हमारे मतलब चेहरे के बोन्स। अब इन चेहरे के बोन्स में मैम क्या क्या आएगा, इसमें आएगा देखो नेसल बोन। ओके यहाँ पे दिख रहा है नेसल बोन, तो ये किधर है, दो, इधर एक बोन इधर एक बोन, नेसल बोन। ओके देन मैक्सिला, मैक्सिला मतलब ये बोन, तुम्हारे दांत वाला ऊपर का बोन, यहाँ पे टच करो ये मैक्सिला है। ओके तो ये दो होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो यहाँ पे पार्टीशन रहेगी, इधर एक बोन इधर एक बोन। ओके दो मैक्सिला, ठीक है। एंड देन जाइगोमैटिक बोन, ये जाइगोमैटिक बोन यहाँ पे आता है। कैन यू फील, आपका जो चीक बोन कहता है ना, चीक बोन ऐसे स्माइल करने पे जो आता है ना मसल्स, या फिर तुम समझ लो फ्लैश, तो इस बोन के ऊपर आता है, जाइगोमैटिक बोन के ऊपर। यूजुअली लड़कियां ना वहां पे वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, कॉन्टोर, कॉन्टोर या फिर कुछ कहते हैं यार पता नहीं, वो यहाँ पे बोन लगा के, वो मेजरमेंट लगा के यहाँ पे करते हैं ताकि वो एकदम चीक पर लगे। हाँ ब्लश लगाते हैं, यस प्रज्ञा। तो ब्लश तो बेटा यहाँ पे लगाते हैं, आई अग्री, बट यहाँ पे कॉन्टोर लगता है। इतना मेकअप का तो मुझे नहीं पता, बट होता है कुछ तो होता है। ठीक है तो ये बोन आएगा जाइगोमैटिक, ठीक है। देन लैक्रिमल, लैक्रिमल आता है यहाँ पे, यू नो हियर हियर। क्यों, आप जब रोते हो ना तो आपके लैक्रिमल ग्लैंड सही मतलब आंसू आता है, बोलते हैं क्यों क्यों प्रैक्टिकल्स हैं, क्यों रिकॉर्ड लिखने हैं, क्यों 11th, ये सारे कुछ आप रोते हो ना तो सारा लैक्रिमल से निकलता है। ठीक है तो वहां पे ग्लैंड होता है, तो इस ग्लैंड यू नो जो लैक्रिमल बोन है उसके ऊपर ग्लैंड रहता है, वो आपके लिए टीयर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है देन पैलेटाइन, पैलेटाइन मतलब ये, अब तुम जबान जो आपकी टंग है ना उसको टच करो रूफ को, दिख रहा है जो रूफ है ना उसको कहते हैं हम पैलेट, पैलेट कहते हैं उसको। तुमने डाइजेशन चैप्टर नहीं पढ़ा ना, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, तो उसमें आपको समझ में आता है वो पैलेट है, कैन सी दैट, वो पैलेट है। तो वो क्या होता है ना, इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, तो वो दो बोन्स होते हैं। आप यहाँ पे लिखा है पैलेट कहीं पे, नेक्स्ट डायग्राम में कहीं पे है, देखो यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है तुम्हारे को रूफ, तो देखो ये दो बोन, वन टू दो, ऐसे तुम जबान से ऊपर टच करो तो तुमको फील होगा पैलेटाइन। ठीक है तो वो दो है। एंड देन इंफीरियर नेसल, तो यहाँ पे होते हैं नेसल। ओके तो दो नेसल बोन एंड देन दो इंफीरियर नेसल। मैंडिबल तो नीचे वाला है, ये पूरी आपकी जो जॉ लाइन होती है ना, कुछ लोग बोलते हैं मैम मैं कितनी मोटी हूँ, मेरी जॉ लाइन बिल्कुल कोरिया लड़कों की जैसी नहीं है, लड़कियों जैसी नहीं है, तो कुछ नहीं होता, थोड़ा तुम एक्सरसाइज कर लो फेशियल एक्सरसाइज तो वो भी वैसे आ जाएगा। ठीक है तो वो कहते हैं यहाँ पे दिस इज जॉ लाइन, तो ये मैंडिबल है तुम्हारा, मैंडिबल। ओके दिस इज मैंडिबल। देन वोमर, ओके सो वेयर डू यू सी वोमर, दिस टिप। कुछ लोगों का ना नाक ना बहुत अच्छा होता है, ऊंचा होता है, तो उनके पास वोमर का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत जबरदस्त होता है, समझ लो यहाँ पे। ओके मेरा तो ऐसे लग रहा है कि बोंडा टाइप नाक है, एकदम नकटी सी नाटी सी नाक है मेरी, लेकिन कुछ लोगों की होती है, ऐसा नहीं है कि नाटी नाक है तो मैं खुद को पसंद नहीं करती, मैं बहुत पसंद करती हूँ, जो भी भगवान ने बनाया है मेरे लिए बहुत सही है, लेकिन होती है कुछ लोगों की बहुत ऐसी ऊंची सी नाक, जैसे दीपिका पादुकोण की है यहाँ पे। ठीक है तो वो वोमर है स्ट्रक्चर वो। ठीक है तो और क्या बच गया भाई, कुछ बचा है बस यहाँ पे तुम्हारे को इन्फीरियर नेसल, यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर में नहीं है एक्चुअली, इन्फीरियर एंड सुपीरियर नेसल में, वरना मैं समझाती आपको, दोनों स्ट्रक्चर में नहीं है, रुको नहीं, तो चलो कोई नहीं, अभी नेसल समझ लो, दो नेसल्स होते हैं, उनके अलावा दो इन्फीरियर नेसल्स भी होते हैं। ठीक है तो इतना याद रखो, इतना काफी है याद रखने के लिए। देन कमिंग टू सेकेंड बोन विच इज व्हाइट बोन, मैंने बताया ना व्हाइट बोन इज द ओनली बोन फाउंड एट द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ओके एंड ये एक ऐसा बोन है, ये एक ऐसा बोन है जो कोई और बोन के साथ अटैच नहीं है, मतलब हमारे बॉडी में तुम देखो बेटा जितने भी बोन्स है ना वो किसी ना किसी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, ये एक ऐसा सिंगल बोन है हमारी बॉडी में जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं होता। स्टार मार्क बना के लिखो तुम, ओके टेक इट डाउन, दिस इज द ओनली बोन विच इज नॉट अटैच्ड बाय एनी अदर बोन। ठीक है तो ये कैसा होता है समझ लो, यहाँ पे होता है व्हाइट बोन। ठीक है ये तुम देख लो, ये कहाँ पे होता है,
यू शेप्ड बोन फाउंड एट द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसके फ्लोर में होता है यहाँ पे, क्लियर? चलो और मैं समझ बताऊं तुम्हारे को, तो अब तुम मुझे पूछोगे मैम बोन से नहीं अटैच्ड है तो कहाँ से अटैच्ड है? बेटा हमारी टंग, जो हमारा टंग का मसल है ना, तुम हमारे टंग को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, ये दिखने में इतना ही है लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बोन है, ठीक है? तो इसका जो टंग का बेस जाता है ना, वो यू नो ह्वाइट बोन के साथ जाके कनेक्ट होता है, क्लियर? चलो इतना तो काफी है बताना। हाँ चलो अभी ईयर ऑसिकल्स मैंने बताया ना, स्मॉलेस्ट बोन, तो देखो तुम स्मॉलेस्ट बोन्स, तो ये तीनों का यू नो घोल है, मतलब तीन बोन्स टुगेदर होते हैं, मैलियस, इनकस एंड देन स्टेपीज। तो स्टेपीज ना सबसे छोटा होता है, ओके, सबसे छोटा होता है। ये मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर, जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, पूरी फंक्शनिंग बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है? ईयर एंड आई तो मेरा फेवरेट है, ओके। पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बच्चों को कॉम्प्लिकेशन दिखता है इसमें, लेकिन अदरवाइज एक बार समझ लो तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो तीन बोन्स आपको याद रखना है, मैलियस, इनकस एंड देन स्टेपीज, क्लियर? चलो अब द स्कल आर्टिकुलेट्स विथ फर्स्ट वर्टिब्रा अटलास, मैंने बताया ना डाइकोंडाइलिक स्कल विथ फर्स्ट बोन अटलास ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स व्हिच इज कॉल्ड एज डाइकोंडाइलिक स्कल, ठीक है? तो यहाँ पे देखो तुम, ये अटलास है, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, तो ये ऐसे तुम ऐसे देख रहे हो ना, यू आर लुकिंग लाइक दिस, ओके, तुम ऐसे देख रहे हो इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए ऐसा एक दिख रहा है। अगर तुम इस डायरेक्शन में देखते इसको, मतलब इंसान अभी ऐसा है ना डायग्राम में, अगर ऐसा होता तो तब तुम्हारे को समझ में आता वहां पे दो होंगे, ओके, दो कॉन्डाइल होंगे एंड अटलास बोन उसके सपोर्ट में होता है एंड वो फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम का बोन है अटलास बोन, ठीक है? चलो अभी हम आते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, ओके। सो अवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड ऑफ 26 वर्टिब्रे, ठीक है? तो ये 26 वर्टिब्रे का बना है। सो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ बोन हियर। सर्वाइकल, तो बेटा सर्वाइकल याद रखो, कुछ लोग कहते हैं ना अरे मैं ज्यादा देर तक ऐसे यू नो झुक के काम नहीं कर सकता, मैं उधर नहीं घूम सकता, मैं उधर नहीं देख सकता, तो बेटा उनको प्रॉब्लम होता है सर्वाइकल की। तो यहाँ के जो बोन्स है ना नेक के बोन्स, तो ये बोन्स उनको थोड़ा दर्द देती हैं, तो इसीलिए कहती हूँ ना मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार कहती हूँ ऐसे एकदम से ऐसे झुक के मत पढ़ा करो, ऐसा पोस्चर बना के बैठो जहाँ पे आप ऐसे स्ट्रेट बैठ के पढ़ रहे हो, या फिर झुके भी हो तो पूरी बॉडी को झुकाओ, सिर्फ ऐसे नहीं ऐसे झुकना फिर ऐसे करना। अब तो बहुत लोग ऐसा है कि मतलब रील्स देखने के चलते चलते ऐसे करके बहुत लोगों को अभी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रहा है। यू गो, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क देगा ना तो इस पे करो तुम, तुम्हारे को समझ में आएगा। दिस सेल फोन्स दे आर क्वाइट हेल्पफुल, लेकिन प्रॉब्लम भी इतनी हो रही है। चलो सर्वाइकल कौन सा है, जो हमारा नेक का पार्ट है ना, तो वो सर्वाइकल है, उसके नीचे आएगा थोरैसिक वर्टिब्रे। हमने क्या पढ़ा था, ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा हमने, हार्ट जहाँ पे पढ़ा था उधर पढ़ा, तो हमारा जो लंग है और या फिर हार्ट है वो आएंगे हमारे थोरैसिक चेम्बर में, ये पूरा हमारा थोरैसिक चेम्बर है। तो थोरैसिक चेम्बर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये थोरैसिक वर्टिब्रे का पार्ट है। थोरैसिक वर्टिब्रे यहाँ पे क्या होते हैं, रिब्स के थ्रू, जो लैटरली साइड में रिब्स आते हैं, तो रिब्स के थ्रू यहाँ पे स्टर्नम में आके अटैच करता है, ठीक है? तो थोरैसिक वर्टिब्रे हमारे पास कितने हैं, 12 हैं, ओके। लंबा, तुम थोरासिक के नीचे जाओ तो लंबा रीजन तुम्हारे को मिलेगा, उसके बाद सैक्रम मिलेगा, उसके बाद कॉकिक्स मिलेगा, ओके। जो ये कॉकिक्स है ना, ये एक्चुअली टेल बोन कहते हैं इसको, टेल बोन, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, तो मतलब अभी एवोल्यूशन होके हमारे पास तो टेल बोन है ना, वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। दिस कॉकिक्स इज अ टेल बोन विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन नाउ, बट बहुत साल पहले जब हम लोग मतलब एप्स चिंपांजी के टाइप में थे तो वहां पे हमारे को टेल थी, तो टेल थी। अभी आते आते एवोल्यूशन हुआ, टेल हट गया, हमारे पास सिर्फ टेल बोन बच गया, टेल नहीं बची, ठीक है? तो चीज तुम याद रखो, और ये एक है और फ्यूज्ड है, देखो ये वन है फ्यूज्ड है, एंड देन दिस सैक्रल बोन इज ऑल्सो फ्यूज्ड, ओके, एक है फ्यूज्ड है, क्लियर? फ्यूज्ड। सो बाकी वाले जो है ना, इनको एक्चुअली ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इनको ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखते, इनको लिखते हैं ऐसे 5, ऐसे 12, 7। अगर फ्यूज्ड है तो तब ये ब्रैकेट आता है, फ्यूज्ड है तो ऐसे लिखना चाहिए 1। बेटा आपने नो प्लांट मॉर्फोलॉजी का अगर आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे तो तुम्हारा को पता है, ठीक है? आपको पता होगा, आपने बनाया होगा ना फॉर्मूला, है ना, टैक्सोनॉमिक फॉर्मूला आपने वहां पे बनाया होगा, तो आपको पता है फ्यूज्ड कैसे इंडिकेट करते हैं, ओके। अगर फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो उसको कैसे आप इंडिकेट करते हो, तो सारी चीजें आते हैं ये, ओके। जो ब्रैकेट वाला है वो फ्यूज वाले को इंक्लूड होता है, मतलब ऐसा, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए मैं कहूँ तो।
तो ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो कॉकिक्स का बोन एक, सैक्रल का बोन एक, एंड फ्यूज्ड, ठीक है। तो इसके अलावा वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन जिसमें न्यूरल कैनाल कहते हैं इसको, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस, ओके। तो उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स। जो हमारा सर्वाइकल है वो 7 बोन्स का बना हुआ होता है, और ये मैमल्स में ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड सपोर्ट्स द हेड एंड सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। तो हमारे बैक्स का जो है ना, ये एक समझ लो एक ऐसा मेन जड़ है जिसके बगैर मतलब हम ऐसे टहर नहीं सकते। तो स्पाइनल कॉर्ड इज मेंट फॉर द सपोर्ट, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, हेड को सपोर्ट देता है, ओके। वहां से रिप्स बन के आते हैं, फिर मसल्स को अटैच करने में हेल्प करता है। ये बहुत जरूरी है बेटा, ओके। स्पाइनल कॉर्ड का बराबर चलना, स्पाइनल कॉर्ड तो एक्चुअली अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड इज ए न्यूरल कंपोजिशन, अभी पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में आके। बट जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाला बाहर का जो यू नो बोनी स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ओके। बाहर बोनी स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम, अंदर तुम देखोगे न्यूरल कैनाल जिसको कहते हैं, उसमें होता है स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली। बहुत लोगों को ऐसा समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों एक ही है, नहीं, अलग चीजें हैं। वर्टिब्रल कॉलम इज द बोनी स्ट्रक्चर, उसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड जो बहुत सारे न्यूरॉन्स से बना हुआ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, स्टर्नम। स्टर्नम इज द ब्रेस्ट बोन, या फिर तुम कह लो यहाँ पे एकदम ऐसे बीच में होता है। अब जो वर्टिब्रल कॉलम से हमारे थोरैसिक रीजन में जो रिब्स निकलते हैं, वो आके कहाँ पे ज्वाइन होती हैं, स्टर्नम में आके ज्वाइन होती हैं, ठीक है। तो जिस द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल, ये हमारा वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, तो वेंट्रल के मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स में रहेगा हमारा स्टर्नम, ठीक है। अभी चलो रिप्स का देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास रिप्स कितने हैं, हमारे पास टोटल तो 12 पेयर के रिप्स हैं, ओके। तो इनमें टाइप्स हैं बेटा, रिप्स तो 12 पेयर हैं, ठीक है, लेकिन इनमें टाइप्स भी हैं, ओके। तो ट्रू रिप्स कौन से हैं, ये फर्स्ट 7 पेयर हैं। इनको ट्रू रिप्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये ट्रू रिप्स है ना, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से निकल के रिप्स में बन के आते सीधा स्टर्नम में ज्वाइन हुए हैं थ्रू द हायलाइन कार्टिलेज। ऐसा तुम याद रखो बेटा, हमेशा जो बोन से बोन अटैचमेंट होता है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ कार्टिलेज, ओके। तुम ऐसे नॉर्मली बोन को अटैच नहीं कर सकते। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे को पता होगा, तुमने खाया होगा, कार्टिलेज इज अ वेरी सॉफ्ट बोन, ओके। जो ये हमारे होते हैं ना, ये बोन्स बहुत हार्ड होते हैं, तो दो बोन्स को अटैच करने के लिए हमेशा एक थोड़ा स्मूदर यू नो कार्टिलेज होता है। तो यूजुअली बोन से बोन को अटैच करने वाला है ना, वो हायलाइन कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो अब तुम देखो, जो वर्टिब्रल कॉलम से निकला हुआ रिब है वो स्टर्नम में आके ज्वाइन होता है, तो उसमें कौन सा कार्टिलेज अटैच कर रहा है, हायलाइन कार्टिलेज, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट 7 है, जो फर्स्ट 7 है वो डायरेक्टली स्टर्नम में आके अटैच हो रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये 6 और ये 7, ओके। ये आके ऐसे अटैच हो रहे हैं स्टर्नम को, सेम इधर और इधर। इसके अलावा जो 8, 9th और 10th है ना, ये क्या कर रहा है, इनको कहते हैं हम फॉल्स रिप्स। क्यों, क्योंकि जो फॉल्स रिप्स है ना, 8, 9th और 10th, ये जाके अटैच हो रहे हैं 7th को, ठीक है। ये किसको अटैच हो रहे हैं, ये 7th है, लुक एट दिस, दिस इज 7th, तो ये जाके अटैच हो रहे हैं 7th पे, डायरेक्टली स्टर्नम को जाके अटैच नहीं हो रहे, ओके। सो 8, 9th और 10th डायरेक्टली स्टर्नम को जाके अटैच नहीं हो रहे, दे आर अटैच्ड विद द 7, ओके, 7th वर्टिब्रल सॉरी रिप के साथ अटैच हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा दो नीचे होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिप्स, मतलब ये सिर्फ पीछे के एरिया में रहते हैं, ओके। देखो ये और ये, ओके, दिस इज 11th एंड दिस इज 12th, जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिप्स, ठीक है। ये सिर्फ पीछे की ओर रहते हैं, मतलब डॉर्सल साइड में रहते हैं, वेंट्रल साइड में बिल्कुल नहीं रहते, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपको चाहिए नाम, ओके मैम आप मुझे नेम्स बताएं, तो बेटा मैं नेम्स आपको बता सकती हूँ यहाँ पे, लेट मी गिव द नेम्स, ओके, यू कैन राइट इट डाउन। ट्रू रिप्स कैन बी कॉल्ड एज वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स, टेक इट डाउन भाई, लिखो तुम। मेरा एक्चुअली वो राइटिंग बोर्ड ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कर रहा है, तो इसलिए मैं अभी राइटिंग बोर्ड नहीं लेके बैठी हूँ, ठीक है। तो तुम लिखो वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स, ठीक है, ये ट्रू रिब्स हैं। अब यहाँ पे देखो जो 8, 9 और 10 है ना, ये देखो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स कहते हैं इनको, ओके, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स, ओके, दीज आर फॉल्स रिप्स, ओके, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स आर द ट्रू रिप्स, ओके, और इनको तो हम लोग फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं,
ठीक है, ये तो फ्लोटिंग रिब्स है, इनको आप दूसरा नेम भी दे सकते हो, इनको वर्टिब्रल रिब्स भी कह सकते हो, नॉर्मली वर्टिब्रल रिब्स, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम पे ही होते हैं ये लोग, कौन ये लोग नहीं, ये रिब्स, ठीक है, 11th एंड 12th, ठीक है. नेक्स्ट, देन ईच रिब हैज टू आर्टिकुलेशन सर्फेसिस ऑन द डॉर्सल एंड, इट इज कॉल्ड एज बाइसेफेलिक. ओके, यू मस्ट नो द टर्म का मीनिंग आर्टिकुलेशन. बेटा जहां पे भी तुम्हारे को इस चैप्टर में आर्टिकुलेशन वर्ड आएगा ना, तो तुम समझ लो ज्वाइन, ओके, ज्वाइन हुआ है या ज्वाइंट हुआ है, लगा हुआ है, एक दूसरे को लगना, उसको हम कहते हैं ज्वाइंट, ठीक है. तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो तुम समझ लो, ईच रिब मतलब हर एक रिब ना, ओके, रिब हैज टू आर्टिकुलेशन सर्फेसिस ऑन द डॉर्सल एंड, मतलब तुम डॉर्सल एंड में देखोगे तो हर एक रिब का दो अटैचमेंट होंगे, ओके, एंड इट इज कॉल्ड एज बाइसेफेलिक, ठीक है. तो कहाँ पे होगा, तो ये देखो, ये तो वेंट्रल है और ये समझो, पता नहीं इसमें कौन सा वेंट्रल है कौन सा डॉर्सल है, दोनों ऐसे ही लग रहे हैं, दोनों वेंट्रल ही है एक्चुअली, लेकिन तुम्हारे को पता होना चाहिए जो डॉर्सल साइड में होता है ना, तो वहां पे मैंने क्या बताया था, तो दो रिब्स के बोन वहां पे थ्रू कार्टिलेज जॉइन होते हैं, तो इसको हम कहते हैं बाइसेफेलिक, ठीक है, बस याद रखो. तो अब देखो, ट्रू रिब्स आर अटैच्ड टू थोरैसिक वर्टिब्रे वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हायलाइन कार्टिलेज, फॉल्स रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली. ओके, तो फॉल्स रिब्स जो मैंने आपको बताया वो डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच नहीं होते, बट दे जॉइन विद द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हायलाइन कार्टिलेज. फ्लोटिंग रिब्स तो कनेक्ट ही नहीं होते, सिर्फ वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब आते हैं बोन्स ऑफ फोर लिम्स, तो फोर लिम्स मतलब हमारे हाथ के लिम्स, ठीक है. तो इसमें क्या है, पहले तो ह्यूमरस है, ओके, ये जो दिख रहा है आपको, ये बोन, यहाँ का बोन, ओके, तो मेरे पास तो बहुत सारा मसल है, वो हटाओ तुम, अंदर बोन होगा, तो वो बोन है ह्यूमरस बोन. उसके अलावा आता है रेडियस एंड उल्ना. अब बहुत सारे बच्चों को, मतलब हमारे वाइवा में पूछा जाता था, ओके, बताओ तुम कौन सा बोन रेडियस है कौन सा बोन उल्ना है, तो तुम याद रखो, जो यहाँ पे नीचे वाला बोन जाता है ना, तो ये बोन, ओके, तुम टॉयलेट के लिए जैसे इंडिकेशन दिखाते हो वो बोन, तो ये बोन यहाँ से जाके एक बोन निकलता है, इसको हम कहते हैं उल्ना. ये नीचे वाला उल्ना होता है, ऊपर वाला रेडियस होता है, ठीक है. ये ऊपर वाला रेडियस दिखाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला रेडियस होता है, ये नीचे वाला उल्ना होता है, ठीक है. रेडियस थोड़ा मोटा है उल्ना की कंपैरिजन में, क्लियर. तो एक ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना. उसके बाद आता है कार्पल, तो कार्पल बोन्स यहाँ पे होते हैं. तुम देखो ऐसे मूव कर रहे हो ना रिस्ट को, जस्ट लाइक यू कैन वेव लाइक दैट, तो ये होता है बेटा, ये कार्पल यहाँ पे होते हैं, कार्पल बोन्स, ठीक है. इनको हम कहते हैं रिस्ट बोन्स भी, ओके. इसके बाद आएंगे मेटाकार्पल्स, ये होते हैं मेटाकार्पल्स. Can you see? These are metacarpals. इनको हम कहते हैं palm bone. देखो ये palm है, तो यहाँ पर palm में भी bone है, तो ये यहाँ पे होते हैं bones. These are called as palm bones. Okay? इसके बाद आते हैं phalanges, जो भी तुम्हारी उंगलियों के होते हैं ना, मतलब ये उंगलियों वाले जितने भी digits होते हैं सारे phalanges हैं, ठीक है. तो phalanges में कितने हैं, 14 हैं, ठीक है. तुम अभी बैठ के काउंट करो, ओके. तो thumb bone में 2 रहेगा, ओके, थंब बोन में 2, फिर आते आते आप देखते जाओगे दूसरों में भी, ओके, इंडेक्स फिंगर में 3, ओके, सारों में 3-3 ही रहेगा, सिर्फ थंब बोन में 2 रहेगा. तो आपको डिजिट फार्मूला पूछ सकते हैं वो, ओके, डिजिट फार्मूला मतलब फेलेंजेस का फार्मूला, डिजिट फार्मूला कहते हैं इसको. तो डिजिट फार्मूला कैसे आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ऐसे, पहले थंब फिंगर, बाद में आएगा बेटा इंडेक्स फिंगर, बाद में मिडिल फिंगर, बाद में रिंग फिंगर, एंड देन लास्ट फिंगर. तो थंब में 2 होते हैं, इंडेक्स में 3, मिडल में 3, रिंग में 3, एंड देन लास्ट रिंग में भी, लास्ट फिंगर में भी 3. तो दिस इज डिजिट फॉर्मूला. एंड सेम गोज फॉर योर यू नो हाइंड लिम्स आल्सो. आपके हाइंड लिम्स में भी है ना, तो सेम आपको डिजिट का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है. ये सारे कौन है, ये सारे फेलेंजेस हैं, क्लियर. चलो नेक्स्ट, तो सेम गोज विद द हाइंड बोन. तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 14 और यहाँ पे भी 14, ठीक है. तो यहाँ पे बस एक डिफरेंस है, वहां पे तुमने कार्पल कहा, ओके, मतलब जो पाम बोन है उसको, एंड देन रिस्ट बोन है उसको आपने कार्पल कहा, तो यहाँ पे तुम कहोगे टार्सल, ओके, यहाँ पे कहोगे टार्सल. जो एंकल बोन है उसको टार्सल कहोगे, देन मेटा टार्सल आएगा, ओके. देन फिर डिजिट्स आएंगे, वो भी सिर्फ सेम डिजिटल फॉर्मूला, थंब में 2 बोन, बाकी सारों में 3-3 बोन. तुम देख सकते हो, देखो ये 1 बोन, ये 2 बोन, ये 3 बोन, ठीक है, 3 बोन्स होते हैं, क्लियर. एंड देन फीमर, you know, or the longest, the thickest, the strongest bone of our body is femur. जो you know longest bone है, strongest bone है, वो femur है.
जो स्मॉलेस्ट बोन है वो स्टेपीज है जो ईयर ऑसिकल्स में होते हैं, ठीक है। एंड देन आएगा पटेला, तो पटेला इज द नी कैप। ओके, नी कैप, आपने बहुत बार गिर गिर के मतलब आपने डैमेज किया होगा उस पार्ट को, तो ये होता है पटेला विच इज कॉल्ड एज नी कैप। ओके, तो इसके अलावा क्या आता है, टीबिया एंड फिब्यूला। ओके, टीबिया एंड फिब्यूला ये स्ट्रक्चर आते हैं। तो दिस इज अबाउट द हाइंड लिम्ब्स। ओके, एंड नाउ पेक्टोरल गर्डल। ओके, सो 2 × 2 = 4, तो हमारे पास दो पेक्टोरल गर्डल्स हैं एंड दे आर क्लाविकल एंड स्केप्यूला। ओके, स्केप्यूला होता है, तो ये देख लो तुम। ओके, तो बाकी का पोर्शन हम लोग कल करेंगे, इसको इसको कल करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। ठीक है, तो सारे बच्चे चले गए तो मैंने क्लास को खत्म कर लिया, क्या करूं मैं, अदरवाइज मैं और 2 मिनट ले लेती क्लास। बस आपको पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल बताना था, कोई बात नहीं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल ये चैप्टर खत्म करके हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। So if you have any doubts, you can ask me or else you can leave the class. यार मैं डर गई, क्यों तुम लोग, मतलब मैं समझी एकदम 350 हो गए तो तुम लोगों ने मेरी क्लास लीव कर ली, तो मुझे मतलब पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद ही डर गई, मतलब या तो नेटवर्क इश्यू है, मैंने सोचा फर्स्ट तो नेटवर्क इश्यू होगा माइट भी, तो इसीलिए चले गए, तो फिर अभी तुम आ रहे हो तो मैं खुद अभी कंफ्यूज हूँ। कोई नहीं, फिर तो हम लोग करेंगे पेक्टोरल गर्डल करेंगे, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, देखो ये हमारे इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और जो कमर का स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो पेक्टोरल में तुम्हारे को देखना होता है दो स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, एक क्लाविकल एक यू नो स्कैप्यूला। तो जो स्कैप्यूला है ना वो ये स्कैप्यूला है। ओके, तो ये कहाँ पे दिखेगा तुम्हारे को, तुम ऐसे टच करोगे ना तो इस पार्ट का जो बोन होता है ना यहाँ पे, जो एकदम पतले दुबले से लोग होते हैं ना उनके बॉडी में दिखेगा तुम्हारे को यहाँ पे ट्रायंगुलर बोन, ये होता है शोल्डर ब्लेड या फिर स्कैप्यूला, ठीक है। ये दो तरफ होता है, यहाँ पे भी होता है एंड देन यहाँ पे भी होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्कैप्यूला। इसके अलावा जो हमारा कॉलर बोन है, ओके, तो हमारा कॉलर बोन है ना इसको हम कहते हैं क्लाविकल। ओके, क्लाविकल कहते हैं। तो अब आपको ना मैं एक्चुअली ड्रॉ करके बताने वाली थी, इसके अलावा भी तुम्हारे कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे अभी ये तुम्हारा ट्रायंगुलर बोन हो गया जिसको हम कहते हैं स्कैप्यूला, इसके अंदर से एक स्ट्रक्चर ऐसे करके निकलेगा। ओके, जो स्ट्रक्चर अंदर है स्कैप्यूला के अंदर, इसको हम कहते हैं स्पाइन। ओके, स्पाइन कहते हैं। अब इसके जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसको हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, आपने आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, तो ये एक्रोमियन प्रोसेस है। तो अब ये हो गया तुम्हारा स्कैप्यूला, ये अंदर का स्कैप्यूला है, इसके बाहर जो रीजन यहाँ पे है ना स्कैप्यूला के पास, ये स्पाइन रीजन है और ये है तुम्हारा एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर अटैच होके निकलता है क्लाविकल, यहाँ पे देखो तुम, तो ये जो क्लाविकल निकला है ना ये कहाँ से अटैच होके निकला है, तो ये अटैच होके निकला है एक्रोमियन प्रोसेस से। ओके, अब और यहाँ पे कैविटी होती है, अब यहाँ पे कैविटी होती है जो ह्यूमेरस बोन को अटैच करके रखता है, उस कैविटी को हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। अब जैसे समझ लो ये एक बोन है, ओके, ये तुम्हारा यू नो ह्यूमेरस बोन है, तो इस ह्यूमेरस को ऐसे कैविटी रहेगी जो ऐसे अटैच करके, अब तुम ऐसे शोल्डर रोटेट करते हो ना तो ऐसे रोटेट होता है, दिस इज ग्लिनॉइड कैविटी एंड दिस इज योर यू नो ह्यूमेरस बोन, जिसका उसका हेड होता है वो, ठीक है। तो स्केप्यूला, फिर आएगा स्पाइन, फिर आएगा एक्रोमियन प्रोसेस एंड यहाँ से आएगा क्लाविकल का विच इज कॉलर बोन। तो यहाँ पे देखो ये होता है कॉलर बोन, ठीक है, दैट इज कॉलर बोन, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, पूरी चीजें तुम पढ़ो इसको। स्केप्यूला इज अ लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन, ओके, विच इज सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब, मतलब यहाँ पे रहेगा बेटा, इस पोर्शन में रहेगा, ठीक है। तो इस इट हैज एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन, अभी तुम्हारे को बताया मैंने ओके, स्पाइन कौन सा है, विच प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपैंडेड पोर्शन, ओके, एक्सपैंडेड प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रोमियन, ओके, इसका नाम है एक्रोमियन प्रोसेस ही उसका नाम है, और वहां से क्लाविकल आर्टिकुलेट होके निकलता है जॉइंट होके। बिलो द एक्रोमियन तुम्हारे पास एक डिप्रेशन होगा जहां, जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, जो ह्यूमेरस को आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, आर्टिकुलेट मतलब ज्वाइन करना, अटैच करना। सिमिलरली पेल्विक गर्डल, तो अभी पेल्विक गर्डल में तुम्हारे इट इज मेड अप ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स, तो ये फर्स्ट कॉक्सल बोन है, दिस इज 1
एंड दिस इज टू. अब इन कॉक्सल बोन में अगेन थ्री पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट जो ऊपर है उसको हम कहते हैं ईलियम, और जो बीच वाला है, ओके, जो बीच वाला है ना ये पार्ट, इसको हम कहते हैं ईस्चियम, एंड जो लास्ट वाला है इसको हम कहते हैं प्यूबिस. ओके, ईलियम, ईस्चियम एंड देन प्यूबिस. ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं. अब तुम्हारे को क्या पता होना चाहिए, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ ईलियम, ईस्चियम एंड प्यूबिस इज अ कैविटी कॉल्ड एज एसिटैबुलम. ओके, तो यहाँ पे शायद स्ट्रक्चर था थ्रू विच बाइंड, यू नो, हाँ यहाँ पे देखो तुम. ओके, तो ये दिख रहा है तुम्हारे को यहाँ पे अंदर जो कैविटी टाइप दिख रही है. ओके, सो दैट कैविटी टाइप यू कैन सी देयर. ओके, तो वो क्या है, ओके, वो क्या है तुम्हारा जो स्ट्रक्चर ना, जैसे वहां पे हमने देखा ग्लिनोइड कैविटी, इसी तरीके से यहाँ पे एसिटैबुलम होता है. एसिटैबुलम भी एक यू नो डिप्रेशन है जो थाई के बोन को अटैच करता है, जो फीमर को अटैच करता है. ठीक है, तो ये यूजुअली प्यूबिस के एकदम ऐसा, यू नो, प्यूबिस के नीचे तुमने देखा ना ऐसे दो कैविटीज थे, तो वो है, यू नो, दैट एसिटैबुलम यहाँ पे दिख रहा है. तो ये वो कैविटी है एसिटैबुलम की. ठीक है, ये वो यू नो पार्ट है. ओके, ये कैविटी, और इसके ऊपर ये जो है ना ये सॉकेट है. ऑलराइट, तो यहाँ से आपका फीमर बोन, जो भी लेग का बोन है, वो अटैच होता है. ठीक है, नाउ टू हॉल्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिंफाइसिस. मतलब सामने वाली पोर्शन में जो हमारा पेल्विक गर्डल है वहां पे एक फाइब्रस कार्टिलेज है जो यूजुअली यू नो फीमेल्स में ब्रेक हो जाती है. ये दिख रहा है तुम्हारे को कार्टिलेज. ओके, सो दिस कार्टिलेज विल बी ब्रोकन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी. ओके, जब बच्चों की डिलीवरी होती है तो मदर में, तो तब क्या होता है, जो प्यूबिक का कार्टिलेज होता है ना, यूजुअली तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है ये, बट वो रप्चर हो जाता है. क्यों? क्योंकि मतलब इतना बड़ा बच्चे का सर जो बाहर निकल के आएगा, तो इससे क्या होता है ना, ये रप्चर हो जाता है. तो यूजुअली आफ्टर बर्थ लड़कियों की जो पेल्विक गर्डल होती है ना, मतलब जो कमर की बोन होती है, वो थोड़ा ब्रॉडर हो जाती है. मतलब एक बार रप्चर हो गया तो समझ लो वो, अगर ज्वाइन हो भी जाए, तुम ज्यादा ऐसा कहोगे मैम मैं भिंडी ज्यादा खाऊंगा, मैं अंडा ज्यादा खाऊंगा, दूध ज्यादा पीऊंगा, तो शायद बोन अटैच्ड हो गए, खाऊंगी सॉरी, तो भी इतना पहले जैसा नहीं होता. ओके, सो दैट इज दैट कार्टिलेज बोन, ये वहां पे होता है कार्टिलेज. ठीक है, तो इतना तो चल गया. जॉइंट्स में कल स्टार्ट करूंगी, कल मतलब कल खत्म हो जाएगा जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास. कुछ डाउट है तुम्हारे को? यस कंतारिया, आदित्य मखवाना ने तो अभी ज्वाइन किया क्लास, मतलब पूरा खत्म होने के बाद. ओके, तो आई थिंक बोन्स का तो क्लियर है ना, बोन्स का तो क्लियर है. अटलास बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, अटलास में कुछ बच्चों को डाउट रहता है, मैंने बताया ना वो यहाँ पे स्कैपुला, फिर वहां से निकलता है स्पाइन, फिर वहां पे एक्रोमियन प्रोसेस, वहां से फिर क्लाविकल, वो डाउट रहता है, वो भी मैंने आपको बता दिया. ओके, जॉइंट्स को कल करेंगे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. So I'll see you tomorrow. Okay? Take care, everyone. Thank you so much for joining the class. कल हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस चैप्टर को पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा. ये चैप्टर्स तो हो गए जल्दी जल्दी, लेकिन वो चैप्टर को थोड़ा टाइम लगेगा. क्यों? ईयर समझाना ही बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है. ओके, ईयर एंड देन आई कराना है, फिर एक्शन पोटेंशियल, इम्पल्स, ओके, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स करवाना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है. इसके अलावा तो कोई नहीं, हो जाएगा. केमिकल कोऑर्डिनेशन भी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ओके, तो चाहे सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस यही है कि तुम लोग पढ़ना चाहिए, अब तुम लोगों को अभी पढ़ना है, बस यही है. ओके, देन आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग.